हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 में बेटा आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे, मॉड। तो मॉड हम किसे कहते हैं? ऐसा डेटा जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा। तो देखिए, जैसे अनग्रुप डेटा हमें दिए गए होते थे तो हम इसमें से वो संख्या उठा लेते थे जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। जैसे यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है और कोई भी डेटा 4 टाइम्स नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारा मॉड क्या हो गया यहाँ पर? 3, बहुलक। तो देखिए बेटा, अगेन वी हैव टू लर्न वन फॉर्मूला फॉर दिस। जैसे अभी तक माध्य और मीडियन के आपने सीखे, मॉड के लिए भी हम एक नया फॉर्मूला करेंगे। और ये आपको इसकी डेफिनेशन पता ही है, बहुलक वर्ग हम निकालेंगे, ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अभी तक हम बारंबारता देखते थे ना, तो उसको जिसमें भी सबसे ज़्यादा बारंबारता आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, उसे हम मॉडल क्लास बोलेंगे, बहुलक वर्ग। ठीक है, जैसे मीडियन वर्ग होती थी, इसे ही हम मॉडल क्लास एक निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या है? दिस इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब हम इन टर्म्स को समझेंगे। जैसे मीडियन में हमने एक नई टर्म सीखी थी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब हम यहाँ पे सीखेंगे ये एफ वन एफ जीरो क्या है। एफ वन क्या होगी बेटा? जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है उसकी बारंबारता, एफ वन उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी, एफ जीरो उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता होगी, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नीचे देखिए, एफ वन हो गया, एफ जीरो हो गया, एफ टू। एफ टू हम किसे कहेंगे? जो कि बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। तो देखिए, तीनों एफ हो गए हमारे, एफ वन उसकी अपनी, एफ जीरो उससे ऊपर की, और एफ जीरो उसके एकदम बाद वाली, एफ टू। और एच क्या है? ये हमें पता ही है, वर्ग साइज है, क्लास साइज। ठीक है, सो ऑल टर्म्स आर क्लियर। नेक्स्ट एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मॉड कैसे वैल्यू होता है? ये हमेशा बहुलक वर्ग के अंदर कोई वैल्यू होता है, इट इज द वैल्यू इन साइड द मॉडल क्लास। जैसे आपको ध्यान होगा और ध्यान रखना भी है कि मीडियन क्या होता था, मीडियन जब हमें गिवन होती थी तो उसे हम क्लास के अंदर देखते थे, है ना, कि किस क्लास के अंदर मीडियन हमारा आ रहा है। ऐसे ही बहुलक भी किसी क्लास के अंदर होगा। ठीक है बेटा, अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये आपको क्लास दी गई है और ये बारंबारता दी गई है, हमें निकालना है बहुलक। आपने पहले ही क्वेश्चन में इस किसी भी तरीका का हो, मीन, मीडियन, मॉड, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि कंटिन्यूएशन में होने चाहिए वर्ग। जो क्लासेस हैं 15 पे ख़त्म है तो 15 पे शुरू, है ना, तो ऐसा जरूर एक बार क्वेश्चन पे नज़र मार लेनी है। उसके बाद हमने बोला कि हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन है आपको यहाँ दिख रहा है? 23, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है, क्लास है, ये मेरी मॉडल क्लास है। 35 to 45, इट इज़ अवर मॉडल क्लास। तो अब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एफ वन, इससे ऊपर एफ जीरो, और इसके बाद वाले को एफ टू। ठीक है, एफ वन, एफ जीरो, एफ टू। अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमारे पास है, इसको लिख लिया हमने। अब सारी डिटेल लिख लेंगे। L क्या मानी जाएगी? L इस वर्ग की निम्न सीमा, तो L हमारा हो गया 35। मॉडल क्लास आप पहले जरूर लिखेंगे, इट इज 35 to 45। अब L कितना हो गया? 35। और बाकी डिटेल्स हमारी क्या हो गई? एफ जीरो 21, एफ वन 23, F2 14 और H 10। बेटा, कन्फ्यूज़न कहाँ होता है इस फॉर्मूले में कि आप F0 इसको मान दो, है ना, ये आपको ये ध्यान नहीं रहता कि F1 कौन है, F0 कौन है। तो आपने ये ध्यान रखना है, 0, 1, 2, एक तो नंबर जैसे हमारी काउंटिंग होती है वैसे ही चल रहे हैं, और F1 उसका अपना होता है। ठीक है, F1 अपना होता है और ये दोनों आसपास होते हैं। अब हमने सारी डिटेल लिख ली सिंपली, अब फॉर्मूले में केयरफुली हमें रखनी है वैल्यूज। देखिए, 35 प्लस L को जमा करना है ना, 35 प्लस 23 माइनस 21,
नीचे क्या है 2f1, यानी कि f1 की जो वैल्यू है उसको 2 से गुणा करना है। तो मैंने लिख दिया 2 × 23 और घटा में f0 घटा में f2 घटा 21 घटा 14, ठीक है। और गुणा में हमें क्या करना है, जो वर्गों का अंतर है यानी कि 10 से गुणा। इस सारी टर्म को आपने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये इससे बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट में देखिए 23 घटा 21 दो और h की वैल्यू रखी 10, 10 से गुणा करना है हमें। नीचे बन गया 46, बहुत ध्यान से 2 × 23 46 और इन दोनों को जमा कर लिया लेकिन घटा का निशान, तो 21 और 14 35, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये बन गया 20/11। 20/11 को अलग से आप भाग करके देख लेंगे, 20 को 11 से हमें मिल जाएगा 1.8 और 35 + 1.8 इज 36.8, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। बस ऐसे ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन मॉडल क्लास देखी आपने, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है तो ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। F1 बन गया, ये F0, ये F2। अब आप मॉडल क्लास लिख लेंगे 60 to 80। फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। L सारी डिटेल दे देंगे, L हो गई लोअर लिमिट 60, ये हम तीनों लिख चुके, और H कितना है यहाँ पे 20 है, तो H हमने लिख दिया 20। वैल्यूज रखेंगे, मॉड इज 60 + 61 - 52, नीचे 2 × 61 - 52 - 38 × 20, ठीक है। और क्या कंफ्यूजन वाली बात है कि ऊपर F1 में से F2 को आप कभी ना माइनस कर दो, है ना बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो उसके बाद हमें आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आधे को नंबर तो आपके यहाँ तक ही कंफर्म हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि F1 में से इससे पहले वाला माइनस करना है, नीचे F1 का आप डबल कर रहे हो पहले, और फिर ऊपर और नीचे दोनों को माइनस करना है, ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली वैल्यू भी, ठीक है। अब आपने 60 एज इट इज़ लिखना है, पहले 60 को अभी नहीं छेड़ना है। 61 में से 52 गए, 9 बचा, 9 × 20, और नीचे सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा, देखिए 2 को 61 से मल्टीप्लाई किया 122, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि घटा घटा जमा कर दोगे ना, घटा 90 मिल गया हमें। अब इसे आगे करते हैं, देखिए क्या बचा, 32 बचा। अब इसको 180 को 32 के साथ सॉल्व करा, हमें मिला 5.625। 60 में ऐड करने से फाइनल आंसर है 65.625। नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल 1। अब देखिए बेटा, इसने क्या किया दिया है हमें, F1, F2 एंड F0 का मान लिखिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बताइए, और ये क्वेश्चन है 121 से 126, 127 से 132। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला क्वेश्चन पे नज़र ज़रूर मारिए बेटा, यहाँ 126 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है, 127 में। तो इसका मतलब ग्रुप सेम नहीं है, कंटिन्यूशन में नहीं है, जो कि हमें अब करने पड़ेंगे। तो ऐसे काम में कैसे करते थे आप, इसमें से 50 पैसे कम कर दो, 121 में से जरा 50 पैसे घटा के देखना क्या आता है आपका, तो क्या आएगा, 120 रुपये 50 पैसे, है ना, क्लियर है सबको ये बात। इस पहले वाले में से 50 पैसे कम कर दो और इसको दे दो, पहले के कम करो इसको दे दो, बस ये बनते ही फिर आपके ग्रुप बनते ही चले जाएंगे। देखिए पहला ग्रुप हो गया 120.5 से 126.5, इसके बढ़ गए 0.5, इसके घट गए 0.5। अब क्या होगा, अगला ग्रुप यहीं से शुरू होगा 126.5 से, और ये इस इन सब के बढ़ते चले जाएंगे 0.5 0.5, ठीक है। अगला फिर आप 132.5 से शुरू करोगे और कहाँ तक जाएगा, 138.5। पहला ग्रुप ये अगर सही बना लिया आपने, पहले वाले में यहाँ आप लोग गलती करते हैं बेटा, एक इसको 0.5 हमें कम करना है और बाकी सब में 0.5 फिर ऐड होते चले जाएंगे, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम करते जाएंगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, 5, 27, 20, 18 एंड 12। अब सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है आपको,
देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 27, तो इसका मतलब हमारी बहुलक वर्ग भी यही हुआ मॉडल क्लास। ठीक है, इसको हाईलाइट करके ये क्या बना हमारा F1, इसको लिख दिया 0 1 2, है ना। F1 ये बना, F0 इससे ऊपर का, F2 इससे नीचे का। तो यही काम इसने हमसे पूछा था, साथ में पूछ रहे लोअर लिमिट भी बताइए। तो लोअर लिमिट क्या होगी, 126.5। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ तक हो गया बेटा। साथ ही अब इस क्वेश्चन में हम इसे अभी यहीं पर छोड़ेंगे नहीं, हम इसका वो भी निकाल देते हैं बहुलक भी। तो बहुलक का आपने फॉर्मूला लिखा, L कितना है यहाँ पे 126.5, F1 कितना है देखिए, F1 27, 20 और 5 है, तो F1 की जगह हमने रखा 27, में से 5 घटा दिया, नीचे 2 × 27 घटा 5 घटा 20, और H कितना है हमारा 6 है यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, H कितना है, 126 से 132 पे जा रहे हो आप, तो कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर। ये सारी डिटेल हम यहाँ लिख भी देंगे, L 126.5 और H कितना है 6 है, F0 F1 F2 हम यहाँ लिख चुके हैं। अब देखिए ये हमने सारी डिटेल भर दी, अब 27 में से 5 गए 22 लिख देंगे आप, और नीचे कितना बना 22 × 6 लिखेंगे ऊपर देखिए, और नीचे 54 × 25। अब इसे सॉल्व करेंगे, 132/29, इसको आप भाग करके देख लेंगे 4.6 अप्रॉक्सीमेटली आता है, तो आंसर बिकम्स 131.1। नेक्स्ट अगेन सेम प्रोसेस, अब आपको समझ भी गए होंगे बेटा, इसलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ। F1 F0 F2 फॉर्मूला लिखा, सारी डिटेल लिख देंगे। ठीक है, देखिए F1 माइनस F0 20 × 13, नीचे 20 को F1 को 2 से गुणा करना है और ऊपर और नीचे वालों को दोनों को घटा कर देना है। ठीक है, L हमेशा प्लस होता है, चाहे हम कोई सा भी काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये यही सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, तीनों तरीके की मीन मीडियन मॉड में आपको इनके फॉर्मूले बार बार लिखिए बेटा, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है कि अरे यहाँ पे माइनस है या प्लस था, यहाँ पे गुणा है या भाग है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चैप्टर में चले जाइए, आपको इन्हीं चीज़ों की फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो यहाँ किया 7 × 20 हो गया, यहाँ पे 20 में से 13 गया 7 × 20, अब नीचे बचा 40 × 27, तो यहाँ ऊपर 140 को 13 से भाग करके देख लोगे अलग से, और उसके बाद आंसर में ऐड कर दोगे, सबसे आसान है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका वर्कशीट में एग्जाम्पल 2, और इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब कहता है इसका बहुलक भी बताइए, बहुलक खर्च बताइए। तो हमने मॉडल क्लास हमारी होगी 200 से 250, एल हो गया 200, एच हमारा है 50, F1 हमारा कितना है बेटा 12, F0 5 है, और F2 हमारा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज रख देंगे, तो कई क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि आपके अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद एक बार अपने फेयर वर्क में उतारने के बाद उसके बाद आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो इट इज 200 + 20.6, आंसर इज 220.6। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट में हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको बताइए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक प्राप्त करने का सूत्र बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख देंगे आप यहाँ पे, द मॉड फॉर ग्रुप डेटा इज ए वैल्यू इनसाइड द, कहाँ पर होती है उसकी वैल्यू, हमेशा क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर, है ना, जो भी हमें वर्ग दिए होते हैं उसके अंदर होती है, अभी हमने सीखा ही था ये। द मॉड इज 12.89, मॉड इज 12.89, व्हाट इज द मॉडल क्लास, 12.89 किसके बीच में आएगा, क्लास में देखो बेटा 12.89, तो कहाँ किसके बीच में आएगा,
पांच से दस के बीच में आएगा 12? नहीं ना, 10 से 15 के बीच में। तो यही हमारी मॉडल क्लास होगी। क्या आंसर बनेगा इसकी? मॉडल क्लास आपकी कौन सी हो गई? ये वाली, देखिए 10 से 15 आंसर आप लिख देंगे। मॉडल क्लासेस 10 to 15, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन एग्जाम्पल 1, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें कि हमने 0.5 का काम किया था। तो यहाँ हमारी ये वर्कशीट भी बेटा कंप्लीट होती है। इसके बाद ये दो क्वेश्चंस मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रही हूँ, जो कि इस वर्कशीट में नहीं थे, लेकिन इससे आगे आने वाली नेक्स्ट वर्कशीट में हमें करने के लिए दिए गए हैं। और आपको सेम जो प्रोसेस आज हमने सीखा है उसी के ऊपर करते समझते हुए से अपने आप करके आंसर मेरे पास भेजना है। ओके बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।